कुछ लोग इसको मुद्दा बना करके एक इसके नेगेटिव साइड को दिखा रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा इम्पैक्ट महिलाओं पे पड़ा है, कितना बड़ा इम्पैक्ट चौक चौराहा नहीं जा सकते उस पर पड़ा है। ये तो मुख्यमंत्री बोल ही रहा है ना कि 100% ठीक हो जाएगा, किस लॉ में ठीक हुआ, लेकिन लार्जर इम्पैक्ट क्या सोसाइटी में पड़ा है वो तो दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोग इस एटमोसफेयर को खराब करना चाहते हैं जो इस तरह की बात बोलते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है, लेकिन इससे पहले तमाम राजनीति पार्टियां रणनीति बनाने में लगी हुई है। इसी क्रम में अगर बात जदयू की करें तो जदयू की ओर से बिहार सरकार में मंत्री संजय झा मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि नए साल में नीतीश सरकार ने जो जो काम किया है उसको लेकर अभियान चलाया जाएगा, यानी कि यात्रा चलाया जाएगा। बीते समय में आप देखे होंगे कि कई पार्टियों की तरफ से जो है वो यात्रा निकाला गया है, और अब जदयू की तरफ से भी यात्रा निकाला जाएगा, इसकी जानकारी संजय झा ने दी है। साथ ही साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयानों को भी से भी वो अपने आप को किनारा करते नजर आए, और साथ ही साथ उन्होंने संजय जायसवाल पर जमकर निशाना साधा है। पहले आप सुने कि क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री संजय झा। जानते ही हैं, कोरोना के बीच में डिस्टर्ब हो गए, उनके यात्रा का संकलन कीजिएगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ इतिहास याद करेगा, जितना मुख्यमंत्री होने के बाद जितना यात्रा किए, रोड से हो अदरवाइज हो, उनका यात्रा लगातार होता रहा है। लास्ट में तो जल जीवन हरियाली में निकले हुए थे, हर एक जिला में जा रहे थे, लेकिन कोरोना के लेके रुक गया था, लेकिन अगले नए साल में उनका फिर यात्रा शुरू। मुआवजा सरकार को देना ही होगा, जब तक सरकार देगी नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। उनको छोड़ दें, आपने पकड़ने से क्या मतलब है? मुआवजा सरकार देगी, उनसे वसूल करके मुआवजा देगी जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे। ये लॉ से ही कोई चीज़ चलता है, वो प्रावधान है, उसी प्रोविजन के थ्रू मुआवजा दिया जाएगा। और शराबबंदी को कोई फेल करने का कोशिश करेगा तो बिहार की जनता बहुत समझदार है, ध्यान रखिए, एक एक बात का हिसाब लेगी इस चीज़। और ज़रूर इस बात को करना चाहिए कि देश में पर मिलियन 8 लाख बिहार में टेस्ट होता रहा, जबकि नेशनल एवरेज 6.5 लाख के आसपास रहा है। शायद हमको पर्सनली लगता है कि हम लोग देखते हैं कि अकेले मुख्यमंत्री देश में होंगे जो कोई दिन ऐसा नहीं हुआ है जो कोविड की रिपोर्ट को नहीं देखे हैं, उसको मॉनिटर नहीं किया। हम लोगों को लगता था अब क्या ज़रूरत है, लेकिन अब देखिए फिर दोबारा आ गया जो रिपोर्ट आ रहा है। तो बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है, यहाँ टेस्ट भी देखिएगा, एवरेज 50,000 टेस्ट, बहुत सारे स्टेट में 100-200 टेस्ट पे चला गया था, 45,000 से 50,000 टेस्ट यहाँ पर हो रहा है, तो ऐसा कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। और बिहार में क्योंकि टेस्ट भी होता रहा, बिहार में वैक्सीनेशन भी होता रहा, और ऐसा माना जा रहा, मैं देख रहा था कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर गया है, तो वो तो खैर डॉक्टर लोग बेटर बता पाएंगे। तो बिहार में कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, मुख्यमंत्री जब से कोविड हुआ है तब से कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जिसको मॉनिटर नहीं किया। नहीं, ये तो बिल्कुल अपील लगातार वैक्सीनेशन, मैंने कहा ना हर एक दिन वैक्सीनेशन का रिपोर्ट सरकार देखती रही, अपील भी होता रहा कि भाई जो आप जो बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज जिसको बोलते हैं लेते रहें, और अपील भी है लोगों से जो लोग नहीं लिए हैं वो डोज ले लें। और मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल पहले भी कोरोना के टाइम में बिहार को लेकर के प्रश्न उठता था कि यहाँ क्या होगा। हमको लगता है कि बेस्ट प्रैक्टिस और मैनेजमेंट देश में कोरोना के मैनेजमेंट में बिहार ने किया है। जिस हिसाब से लोग बाहर से आए, अब तो लोग के ध्यान में नहीं होगा जितना बड़ा माइग्रेशन यहाँ पर उस समय हुआ उनको रहने का, और जो बाहर बिहार के लोग थे उनके अकाउंट में भी 1,000 रुपया दिया गया था, आप लोगों को ध्यान हो तो उस समय, तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस कोरोना में किया गया। और अभी भी मुख्यमंत्री के प्रायोरिटी में नंबर 1 है शुरू से, इसलिए सारा कुछ देखा जा रहा है। नया वेरिएंट की बात अभी आई है तो हम लोगों को बिल्कुल लगता है बिहार को क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं। NHRC क्या करेगा? NHRC के लोग, ये तो क्रिमिनल एक्ट है ना कि आप शराब पिए और उसमें आपका डेथ हो गया, इसमें ह्यूमन राइट वायलेशन का कहाँ से बात है? तो इसका मतलब अन्य स्टेट में जहाँ हूच हुआ है या मोरबी में पुल गिर गया तो वहाँ NHRC गई, और गई तो क्या फाइंडिंग मिला बताना चाहिए ना। अगर मध्य प्रदेश में
अगर कर्नाटक में, अगर यूपी में शराब पीकर लोगों का डेथ हुआ तो वहाँ ह्यूमन राइट कमीशन की टीम गई कि नहीं गई? और नहीं गई तो सिर्फ बिहार में क्यों आई है? आपने देखा है क्वेश्चन? मैं देख रहा था क्वेश्चन, वहाँ पर महिलाओं से पूछ रहा है, पुलिस तंग किया क्या? NHRC के जो लोग गए हुए हैं और महिला बोल रही नहीं, कोई पुलिस तंग नहीं किया, तो लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं क्वेश्चन को। आप बात समझ रहे हैं? जरा कृपा करके आप लोग भी पता कीजिए और जाकर पूछ क्या रहे और उनको जवाब क्या मिल रहा है। तो लोगों ने जवाब दिया, नहीं शराब पी के मरा है, हमको पुलिस कोई तंग नहीं कर रही है। अगर आप पूछिएगा सीधा, पुलिस तंग कर रही है उसमें, ये क्वेश्चन भी उसी टाइप से पूछ रहे हैं, लीडिंग क्वेश्चन वहाँ पर जाकर। अब आकर उनका पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है ना, और कार्रवाई हो रही है उस पर, कोई नहीं बचेगा उसको। आप देख रहे हैं कितनी बड़े स्केल पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसमें ह्यूमन राइट वायलेशन का कहाँ से आ गया? और अगर है तो अन्य जगह क्यों नहीं गए? दिक्कत है, कोई कमी है? बिहार में तो हम लोग कोई डरा हुआ नहीं है, बिहार में कहाँ कोई डरा हुआ है, बिहार में तो सब स्थिति ठीक है, कौन डरा हुआ है बिहार में? रूल ऑफ लॉ है, कानून है बिहार में, पिछले 17 साल में रिकॉर्ड है देश में, शायद देश का अकेला राज्य है जहां एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी। तो चाहे वो कास्ट हो चाहे धर्म, इस कोई माहौल को कभी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कभी खराब नहीं हुआ सरकार, इसका सबसे बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है ना जो मैं सामने में आपको बोल रहा हूँ। एक दिन लगा है नवादा या कहीं पर कर्फ्यू लगा था, आज तक कर्फ्यू नहीं लगा। तो बिहार में शांति है, पीस है, उसी की वजह से डेवलपमेंट है। तो बिहार में कोई लूज कमेंट पे क्या आप जवाब दीजिएगा? आज का इंडियन एक्सप्रेस देखे है? आज के इंडियन एक्सप्रेस के एडिट पेज पे आप देखिए, एक जो मेरीलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उन्होंने आकर के शराबबंदी पर काम किया और उनका फीडबैक है मुजफ्फरपुर से। हम सब साथी कहेंगे एक बार जरूर देखिए, मेरे पास तो सर पॉकेट में भी होगा, मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगा। इस इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में पड़ा है, कुछ लोग इसको मुद्दा बना करके इसके नेगेटिव साइड को दिखा रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा इम्पैक्ट महिलाओं पे पड़ा है, कितना बड़ा इम्पैक्ट चौक चौराहा नहीं जा सकते उस पर पड़ा है। ये तो मुख्यमंत्री बोल ही रहा है ना कि 100% ठीक हो जाएगा, किस लॉ में ठीक हुआ, लेकिन लार्जर इम्पैक्ट क्या सोसाइटी में पड़ा है वो तो दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोग इस एटमोसफेयर को ख़राब करना चाहते हैं, जो इस तरह की बात बोलते हैं वो लोग हाँ, माने वो लोग एटमोसफेयर को ख़राब करना चाहते हैं जो साथ थे इस इशू पर। आज माहौल खराब, तो बात तो सही है, तो काहे नहीं बोलते हैं शराबबंदी ख़त्म कर देना चाहिए? खुलकर बोले ना क्या शराबबंदी ख़त्म कर देना चाहिए? शराबबंदी का व्यापक असर बिहार के, पॉजिटिव असर बिहार के समाज पर पड़ा है। उसी का सर्वे का फाइंडिंग है कि डोमेस्टिक वायलेंस 37% कम हुआ है, झारखंड के तुलना में कंपेयर किया है कि घर में जो महिलाओं के साथ झगड़ा या वायलेंस होता था उसमें कितनी कमी आई है, रोड एक्सीडेंट में कितनी कमी आई है, टाइम पे लोग काम करने जाने लगे हैं, लोगों का स्पेंडिंग बढ़ गया, खर्चा करने का कैपेसिटी बढ़ गया। ये सब आज के इंडियन एक्सप्रेस के एडिट पेज पर पूरा एक रिसर्च करके दिया हुआ है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है। अब इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में, नीतीश कुमार जी को पर्सनल क्या फ़ायदा है इसमें, क्या स्वार्थ है इसमें शराबबंदी करने से? लेकिन उनका ये कमिटमेंट है बिहार के लोगों के प्रति कि इससे भी अगर कोई घटना घटी, लोग बहुत तरह की बात करते हैं, उस सबसे ज़्यादा हर्ट वो है, इसलिए ना बोल रहा है कि मत पियो। अब उसको आप ट्विस्ट करते रहिएगा, पॉलिटिकल कलर देते रहिएगा, तो यही ना बोल रहा है, जिस स्टेट में शराब नहीं है, मतलब शराब अवेलेबल है, शराबबंदी नहीं है, वहाँ हुच नहीं हुआ इतना बड़ा वाला, तो वहाँ कैसे हुच हो गया, वहाँ कैसे चला गया? इसलिए ये अब, और ये जो बोल रहे हैं ठीक है, तो ये तो अब इसका क्या आप जवाब दीजिएगा? जो अगर इस लूज टॉक पे आप आ जाइए बात करने के लिए, सीरियस डिबेट ना आप कीजिएगा कि लूज टॉक कीजिएगा। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा संजय झा ने, भाजपा को आईना दिखाते हुए कहा है कि शराबबंदी को लेकर जिस तरह से ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर ब्लड सैंपल की जांच बीजेपी वाले कर रहे हैं, अगर जांच करानी शुरू कर दे सरकार, तो कई लोग उस कटघरे में खड़े हो जाएंगे
जहां आज बीजेपी उंगली उठा रही है। अब देखने वाली विषय होगी कि एक तरफ लोकसभा चुनाव है तो दूसरी तरफ बिहार की सियासत में गहमा गहमी है, आगे क्या कुछ रंग लाता है वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।